सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वो वस्तु तो दिखाई देती है, पर प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। अब प्रकाश चलता कैसा है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? सबसे पहले होता है जो प्रकाश का स्रोत हम मानते हैं वो नेचुरल रिसोर्स, जो अपने आप जो प्रकाश का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक स्रोत। जो प्रकाश है वो हमारे किससे उत्पन्न होता है? तो पहले प्रकाश एक ऊर्जा होगी, जिस वस्तु पर पड़ते हैं उस वस्तु को वो विजिबल करते हैं, मतलब देख सकते हैं, पर प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश के कितने स्रोत हम मान रहे हैं? प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जिनका ओन प्रोडक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब खुद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? खुद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है? सूर्य। अब पृथ्वी पर एक ही अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करता है, वो तो जुगनू, और कुछ स्टार भी है, ठीक है। और अप्राकृतिक में क्या हो गए? जो जैसे ट्यूबलाइट है, ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, रूपांतरण हो रहा है, पर प्रोडक्शन नहीं है। कैंडल, मोमबत्ती जलाते हो, लालटेन जलाते हो, तो ये सब क्या है? अप्राकृतिक है, मोमबत्ती इत्यादि। अब एक चीज आती है इसे पढ़ने से पहले, क्योंकि हमें अपने आप को क्लियर करना है कि अब प्रतिबिंब कैसे होते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? जब प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, पहले हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई आभास होता है, मिलने का आभास होता है, जबरदस्ती मिलाई जाती है। एक तो मिलती है और एक को जबरदस्ती मिलाते हैं। तो जो अपने आप परावर्तन और परावर्तन के पश्चात दो किरणें आपस में मिलती हैं, वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है? रियल, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो जबरदस्ती मिलाने से प्रतिबिंब मिलता है उसे क्या कहते हैं? आभासी। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई मिलाई जाती है जबरदस्ती, तो वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जब अपने आप मिलती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, ये पर्दे पर उत्पन्न, पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पर मिलता है। और जो जबरदस्ती मिलाते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो पर्दे पर नहीं मिलता। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश एक ऊर्जा क्या करती है? वस्तु को दिखाती है पर अपने आप नहीं दिखती। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। मेरी लैंग्वेज को ध्यान देना, बहुत साधारण परिभाषा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन दो तरह से होता है, हमारे पास दो तरह के माध्यम होते हैं, ध्यान रखना।
ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और ये क्या है आपके पास, अभिलंब, अभिलंब। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। यह आपतित किरण है, ये कौन सी है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। ये आपतन कोण हो गया, अभिलंब के साथ बनता है हमेशा कोण, और ये अपवर्तन कोण हो गया। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो आप देखोगे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण का मान किससे, अपवर्तन कोण के मान से क्या है, छोटा है। तो ये चीज दिमाग में रखनी रखनी है आपको। अब इसके नियम क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, जहां दो मीडियम की बाउंड्री होती है उसके एक बिंदु पर मिलते हैं। Lie at one point in the same plane, मतलब एक तल के एक किसी तल के एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, कहां, एक तल के। दूसरा क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक, और इसका क्या सूत्र होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का म्यू। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तबिलम, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, कारण मुख्य कारण है दोनों माध्यमों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जो प्रकाशिक घनत्व है, वो अलग अलग है। विरल माध्यम और सघन माध्यम का जो आपकी डेंसिटी, मतलब जो घनत्व है, वो अलग अलग है। दूसरी चीज, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तित होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तीव्रता, इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्यों, परंतु एक भौतिक राशि जिसे आवृत्ति कहते हैं वो नहीं बदलती। प्रकाश के अपवर्तन में अगर चार ऑप्शन आ गए कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान नहीं बदलती है, वो है आवृत्ति। केवल आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी क्या बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है। ये क्यों बदलती है, देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो 100% अपवर्तन नहीं होता, कुछ प्रकाश का अवशोषण भी होता है और कुछ रेडिएशन, मतलब कुछ इधर उधर प्रकाश चला जाता है। तो 100% जो 100% हम अपवर्तन की बात करें, 100% अपवर्तन ना होने के कारण
कुछ प्रावर्तन तथा कुछ माध्यम भी प्रकाश को अवशोषित करता है। इसलिए तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, परंतु एक भौतिक राशि वो जो नहीं बदलती प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आवृत्ति कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपवर्तनांक। हम बार बार अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, अपवर्तनांक होता क्या है, क्योंकि अपवर्तनांक तो हम पढ़ेंगे, होता क्या है अपवर्तनांक? देखो, एक अपवर्तनांक तो हमने स्नेल के नियम से कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू होता है, लेकिन एक्चुअल अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यम अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का मान यहां पे क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म लिख रहा हूं जो बार बार हम यूज करेंगे। ए म्यू जी, म्यू अपवर्तनांक है, ए मतलब वायु, जी मतलब ग्लास। ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे क्या कहेंगे? ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। एम यू डब्ल्यू को क्या कहेंगे? पानी, जल का, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। पानी जल यूज कर लेते हैं, वाटर ना, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर मैं एक टर्म लिख रहा हूं, अभी तक तो वायु की बात कर, डब्ल्यू म्यू जी, ग्लास का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब जो प्रकाश की किरण आ रही है वो वायु से ग्लास में आ रही है, इसमें वायु से किस में आ रही है? जल में आ रही है। इसका मतलब वायु जल से किस में आ रही है? कांच में आ रही है। ग्लास मतलब कांच, ग्लास को हिंदी में क्या कर देंगे? कांच। तो एमयू जी का मान, एमयू डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू मी जी का मान, ये फिक्स होता है, ऊपर कुछ चीजों में वैरी करता है। जैसे ग्लास का क्या लेते हैं? एमयू जी 3/2 ले लेते हैं, मतलब 1.5 लेते हैं। जल का कितना लेते हैं? 1.33 ले लेते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता किस किस में? देखो, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, बड़े बूढ़े क्या कह गए हैं? पानी को देखकर पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। पानी जितना गहरा महसूस हो रहा है उससे ज्यादा गहरा होता है, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो आभासी गहराई दिखाई दे रही है, और जो वास्तविक गहराई होगी वो उससे क्या होगी? ज्यादा होगी। ये क्यों होता है? देखो, हमने एक बर्तन में एक सिक्का रख दिया, इस बर्तन में जल भर दिया पूरा। क्या भर दिया? जल। ये क्या है मेरे पास? सिक्का, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जो हम तक पहुंचेगी, हमें दो किरणें लेते हैं हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वो ऐसे लेते हैं,
ये कैसे जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अविलंब से दूर हट जाएंगी, अविलंब से दूर हट जाएंगी। हमारी आंख तो सीधा देखती है, तो ये हमें सिक्का कहां दिखाई देगा? हमें सिक्का इस पोजीशन में दिखाई देगा, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ। ये वास्तविक स्थिति है, सिक्के की कौन सी स्थिति है? वास्तविक। और ये सिक्के की कौन सी स्थिति है? आभासी। तो जब पानी से भरे बर्तन में हम कोई सिक्का रखते हैं नीचे तली पे, जब प्रकाश की किरणें इसमें कहां से जाएंगी? सघन माध्यम से किस में जाएंगी? विरल माध्यम में जाएंगी। सघन माध्यम से किस में जाएंगी? विरल माध्यम में जाएंगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, तो अविलंब से दूर हट जाएंगी। अविलंब से दूर हट जाएंगी, प्रकाश हमें सीधी रेखा में दिखाई देता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में दिखाई देता है, तो ये जो आपकी सिक्का है, ये अपनी स्थिति से कैसा दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। पानी में, पानी के बर्तन में अगर कोई छड़, लकड़ी की छड़ हो, कोई सी छड़ हो, अगर छड़ हम पानी की उसमें डालते हैं, तो क्या होता है उस छड़ में? क्या होता है उसमें? छड़ हमें टेढ़ी मुड़ी भी दिखाई देती है। छड़ हमें कैसी दिखाई देती है? मुड़ी भी दिखाई देती है। क्यों मुड़ी भी दिखाई देती है? वही कारण है हमारा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? दो प्रकाश की किरणें लेके चलते हैं। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या हो जाएगी? ये अविलंब से दूर हट जाएगी। हम कैसे देखते हैं? हम तो सीधा देखते हैं बच्चों। हम सीधा जब देखेंगे, तो ये कहां पे मिलती हुई महसूस होगी? यहां पे। तो ये मुड़ी छड़, छड़ वैसे नहीं मुड़ी है, पर किस कारण से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है? पानी के भीतर, पानी के भीतर का भाग ही मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो किसके कारण दिखाई दे रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। जब मछली को पकड़ते हैं, मछली क्या होती है? अपनी स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। ये मछली है भैया, ये मछली है। मछली की आंख से हम लेंगे, ये पानी के अंदर है मछली। जब प्रकाश की किरण जाएगी, तो क्या होगा? यहां पे ये अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से दूर हट जाएगी, तो हमें काम मिलेगी, यहां दिखेगी। तो मछली अपनी स्थिति से कैसे दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। उसका रीजन भी क्या है? प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, हम सीधा देख पाते हैं। तो इसलिए मछली हमें अपनी स्थिति से क्या दिखाई दे रही है? ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए ये जितने भी कारण होते हैं, जब प्रकाश की किरण कोई वस्तु सघन माध्यम में रखी है, तो अपवर्तन के कारण होते हैं। ये अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी होते हैं। ये सिक्के का बताया, इसी तरह कोई जो तालाब है, अपनी गहराई से कम गहराई का महसूस होता है, उसकी भी डायग्राम ऐसी बन जाएगी। मछली की बताई दी कि उसकी जो पोजिशन दिखाई दे रही है, उससे थोड़े नीचे जाल डालना पड़ता है, जो भी गहराई करते हैं, जो पकड़ते हैं मछली, कांटे डालते हैं। तो इस तरह से ये किस कारण से है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अब हम एक कांच के गुटके का प्रयोग करने जा रहे हैं। यह क्रियाकलाप आपकी कक्षा 12 में यह क्रियाकलाप भी है, कांच का गुटका। पर उससे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होते हैं? इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण अनेक प्रावर्तन अपवर्तन के पश्चात, अनेक परावर्तन अपने परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस आती है जिससे जा रही है, तो उसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखो, यहां पे वायु है और यहां पे जल है। आपने अविलंब डाला, प्रकाश की किरण कहां से आई? ये आपतित, ये प्रकाश की किरण आ रही है वायु से, एयर। ये वाटर है। अब ये अविलंब से दूर हट गई,
क्योंकि किससे आ रही थी ये? वायु से जल में। जल के भीतर हमने एक दर्पण रख दिया, इस दर्पण पे प्रकाश 90 डिग्री पे आपतित हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ये प्रकाश की किरण है। जब इस दर्पण से टकराई प्रकाश की किरण, तो वापिस जिस पथ से आई थी उसी पथ से चली गई, ओ ए बी। तो वायु से प्रकाश में, वायु से प्रकाश, वायु से जल में, सॉरी जल में, वायु से जल में आपतन कोण आपके पास क्या है? आपतन कोण है आपके पास आई, और अपवर्तन कोण है आपके पास आ। OA आपतित किरण होगी और AB अपवर्तित किरण होगी। तो अब स्नेल के नियम से A mu W is equal to sin I upon sin R, पहली समीकरण। अब इस दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस चली गई, जब वापस चली गई तो क्या होगा? जल से वायु में आपतन कोण क्या हो गया हमारे पास? R। अब जल से वायु में जा रही है तो BA आपतित किरण होगी और R क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा हमारा? आई। तो अब जा रही है जल से वायु में, किसमें जा रही है? जल से वायु में, वायु से जल में थी। तो डब्ल्यू म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखो इधर एम यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, तो एम यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू वन। तो ये क्या हो जाएगा? एम यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता से हमें मिला। इसका अपवर्तनांक वायु से एक से ज्यादा है, पर इसका अपवर्तनांक एक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये जल से जब वायु में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? एक से कम होगा।